आगे बढ़ते इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे को जमानत मिली है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा को जमानत दी गई है। आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट से यहां पर जमानत मिली है। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र जी, कह सकते हैं बड़ी राहत यहाँ पर? देखिए बिल्कुल, आशीष मिश्रा ये जिस तरीके से इन पर आरोप और अजय मिश्रा के गृह राज्य मंत्री उनके पिता देश के और लखीमपुर खीरी का कांड जिसने पूरे एक तरीके से देश की भूचाल ला दिया था, उसके बाद से किसानों को कुचलने का आरोप था। थार गाड़ी के जरिए इन्होंने किसान पर कुचल दिया और उस मामले में उसी आरोप में इनके खिलाफ एसआईटी ने जांच की और ये लगातार जेल में बने हुए थे। कई इन्होंने हाईकोर्ट में इससे पहले भी कई जमानत याचिकाएं डाली लेकिन वो खारिज हो गई, लेकिन आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इनकी जमानत अर्जी पर करते हुए इन्हें जमानत दे दिया है। तो जाहिर सी बात है, अजय मिश्रा बेटी के लिए जो तमाम दिक्कतें बढ़ी हुई थी, उसका बेटा जेल में था, उसको लेकर जरूर मिली है, लेकिन विपक्ष को जरूर अब मौका मिलेगा एक बार फिर से इस मामले को उठाने का और सरकार पर हमलावर होने का। और आज ही चुनावों की शुरुआत हुई है, उस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि एक ओर जहां पर लगातार सुबह से ही वोटिंग का सिलसिला यहां पर चलता हुआ नजर आ रहा है, इसी बीच में बड़ी खबर निकलकर सामने आई। बिल्कुल, देखिए ये इत्तेफाक भी है कि अगर किसान आंदोलन सबसे ज्यादा यही पर उसकी आंच महसूस की गई थी, यही सबसे ज्यादा आंदोलन था और इसी वक्त ये मतदान भी वहां पर जारी है। इसी मतदान के बीच ये खबर आई जहाँ पर अजय मिश्रा के बेटे आशीष जी बड़े कठिन मामला जो रहा सबको पूछा लिया जी। चलिए ज्ञानेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।